पहले प्रेमचंद गुड्डू और अब बालिंदु शुक्ला और फिर शायद दीपक जोशी। जी हां, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वालों का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। जिस सिलसिले की शुरुआत प्रेमचंद गुड्डू ने की वो इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बहुत तेजी से पूरे प्रदेश का सर्वे करवा रही है और ऐसे नेताओं को पार्टी से जोड़ रही है जो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के क्षेत्र में उसका जनाधार बढ़ा सकती है या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस काम को अंजाम देने के लिए कांग्रेस की नजर बीजेपी के उन नेताओं पर टिकी है जिनमें चुनाव लड़ने या मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। इन्हीं में से एक है दीपक जोशी, जो हाट पिपलिया से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और बीजेपी को जता चुके हैं कि उनके लिए भी विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि इसके बाद बीजेपी से खबरें आई कि जोशी को समझा दिया गया है। इसके बाद भोपाल दौरे पर आए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी दीपक जोशी से खास मुलाकात की। मुलाकात के बाद आश्वासन भी दिया कि दीपक जोशी ठीक है और पार्टी के साथ हैं। पर बालिंदु शुक्ला के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या दीपक जोशी का नंबर भी आएगा। सियासी हलकों में जो खबर है उसके मुताबिक दीपक का असली फैसला तो तभी पता चलेगा जब उपचुनाव नजदीक होंगे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कैलाश विजयवर्गीय की समझाइश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी शांत हो गए हैं, क्योंकि शांत रहना उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड से कम नहीं होगा। इसलिए वक्त आने दीजिए, दीपक की लोक किस दिशा को जलाती है ये तो तभी पता चलेगा।